यस ओके सो लास्ट लेक्चर में हमने ऑलरेडी एंगुलर मोमेंटम का जो कंसेप्ट है वो ऑलरेडी देखा था, और एंगुलर मोमेंटम का जो एक्सप्रेशन है वो भी हमने डिराइव किया था, उसका सिग्निफिकेंस भी देखा था. व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, वी ऑलरेडी सीन इन लास्ट लेक्चर. एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज द एबिलिटी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी टू कोलाइड ऑन अनदर बॉडी, एंड दैट इज डिफाइंड एज एक्चुअली एक पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम है तो वो किस तरह से डिफाइन किया जाता है. तो उसके लिए हमको ये कहना पड़ता है कि द पोजिशन वेक्टर, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इट्स पोजिशन वेक्टर एंड द मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम वेक्टर विल बी एक्चुअली कॉल्ड एज द एंगुलर मोमेंटम, नो डाउट. बट एट द सेम टाइम द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी विच कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, वी कैन बी फाउंड आउट बाय यूजिंग द स्पेशल फॉर्मूला विच वी ऑलरेडी डिराइव लास्ट टाइम. That is, angular momentum is equal to I into omega. Okay, angular momentum is equal to I into omega. This is the formula for finding the angular momentum of a rigid body. Okay, whose moment of inertia is going to be I, and angular velocity with which it is rotating is going to be omega. And also, we have found out the expression for the change in rotational kinetic energy, and we have expressed it in terms of the change in angular momentum here. Yes, and also there is a direct relationship. Yes. Yes, any doubt? Sakshi, कुछ बोल रहे थे? Yes. Okay. So basically, this is all about the angular momentum, and also we have to see the direct. There is a direct relationship between the rotational kinetic energy of a body and angular momentum as well. Let us see that. Yes, the rotational kinetic energy of a body is given by E is equal to half of I into omega square. Correct? Yes. So this is the formula for rotational kinetic energy, okay, and we can express it in terms of angular momentum in two ways. One is that rotational kinetic energy can be written as half of I omega square. अब यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको I से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, चलेगा ना? तो इसको हमने I से मल्टीप्लाई किया तो I square बन गया और नीचे वो I बन गया, ठीक है. We have multiplied and divided by I, both numerator as well as denominator, so that we can just write this in the next step. That is, तो I square omega square को हम I omega का whole square ऐसा लिख सकते हैं, और that is divided by 2 times of I, and hence we can just say that, but we can just say that this I into omega here is going to be L, correct है? I into omega क्या होता है? Angular momentum होता है, जिसको हम L से denote करते हैं. ओके, कैन ऑल ऑफ यू लिसन मी? मेरी आवाज पहुंच रही है सबको? ओके यस ओके ओके, ठीक है. लाइट चला गया एक्चुअली, तो चलो ठीक है, फिर भी प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, ठीक है. सो इफ यू जस्ट रिप्लेस दिस आई ओमेगा हियर
by L, then yes, so I omega is going to be L. So this becomes rotational kinetic energy becomes actually equal to L square upon 2I. Okay, so this is the relationship between the rotational kinetic energy and the angular momentum. Remember, okay, so this is the relationship. Doubler हो रहा है ना? अभी चेक करो, अभी ठीक है? नहीं, हाँ ठीक है, पर ब्लैक बोर्ड दिख रहा है, वह दिख रहा है। ओके तो चलो ठीक है, सो लेट अस डिस्कस ओनली ओरली, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ठीक है, क्योंकि थोड़ा जो टॉपिक्स है वो थोड़े ओरली डिस्कस करने जैसा ही है इसके आगे का जो टॉपिक है। सो अगर आवाज ठीक से पहुंच रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जस्ट फॉरगेट अबाउट द वीडियो क्वालिटी, कीप इट एज इट इज। ओके सो अभी देखो, हमने ये देखा है ऑलरेडी कि एंगुलर मोमेंटम इज द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू कोलाइड ऑन अनदर बॉडी, ठीक है, मतलब जो कोई भी रोटेशनल रोटेटिंग बॉडी होता है उसका एबिलिटी जिसकी वजह से वो दूसरे बॉडी के ऊपर कोलाइड करता है तो उसको हम बोल सकते हैं इट इज द एंगुलर मोमेंटम। यस जस्ट वेट, इफ ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम जो है हम देखते हैं कि जैसे लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है, ठीक है, नहीं लीनियर मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व, दैट मींस व्हेनेवर द टू बॉडीज जस्ट कोलाइड इन लीनियर मोशन व्हाट हैपेंस इज द वन बॉडी जस्ट गिव्स द मोमेंटम टू अनदर, दैट मींस देयर इज ओनली द एक्सचेंज ऑफ मोमेंटम। बराबर है, दो बॉडीज के बीच में हमेशा मोमेंटम का एक्सचेंज हुआ करता है, ठीक है, and the total momentum, total linear momentum always remains conserved so far as no force acts on the whole colliding bodies, ठीक है, मतलब पूरे colliding bodies के system के ऊपर अगर बाहर से कोई भी force अगर काम नहीं कर रहा है तो उस केस में क्या होता है कि जो total momentum जो है वो हमेशा conserved होता है, conserved मतलब constant रहता है। तो यही बात हम देखते हैं rotational motion के अंदर भी हुआ करती है, in rotational motion also there is a law of conservation of momentum which actually tells us simply that whenever the two bodies, agar do bodies hai aur agar wo independently agar rotate ho rahe hain independently aur usko unko humne suddenly agar ek sath couple kar diya, ek hi axis pe agar couple kar diya to kya hoga ki pehla jo body hai uska jo bhi angular momentum hai aur dusra body jo hai wo uska jo bhi angular momentum hai, ये दोनों एंगुलर मोमेंटम्स जो मिला के जितना भी एंगुलर मोमेंटम होता है वही आफ्टर कपलिंग भी होता है, मतलब एक बार कपल होने के बाद भी उतना ही एंगुलर मोमेंटम उस बॉडी का रहता है
ठीक है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द कपलिंग, तो कपल करने के बाद भी और उस कपल करने के पहले भी उतना ही एंगुलर मोमेंटम होता है। उसके बहुत सारे एग्जांपल्स हम डेली लाइफ के अंदर देख सकते हैं, नॉट ओनली ओनली टू बॉडीज और इवन नंबर ऑफ बॉडीज ऑल्सो कैन जस्ट कपल टूगेदर, और इवन अगर सपोज एक सिंगल बॉडी भी अगर घूम रहा है, एक सिंगल बॉडी सपोज कंटिन्यूसली उसके स्पीड पे घूम रहा है, तो ऐसे केस में होता क्या है कि उसका अगर एंगुलर मोमेंटम जितना भी है वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहने के लिए ट्राई करता है। ओके, द एंगुलर मोमेंटम ऑलवेज ट्राइज टू रिमेन कॉन्स्टेंट। ठीक है, अभी एंगुलर मोमेंटम ऑलरेडी वी हैव सीन दैट इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी, बराबर। तो द प्रोडक्ट ऑफ आई इंटू ओमेगा रिमेन्स कॉन्स्टेंट, इफ सपोज आई इज डिक्रीज्ड देन ओमेगा ऑटोमेटिकली इंक्रीजेस, इफ आई इज इंक्रीज्ड देन ओमेगा ऑटोमेटिकली डिक्रीजेस। ये हम देखते हैं डेली लाइफ के अंदर, उसके कई सारे एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कि एक बॉडी जो है वो घूम रहा है, ठीक है, जैसे ही वो सपोज हम अगर घूम रहे हैं और अगर मैंने मैं हाथ जो है वो इस तरह से करके रखे हैं और इस तरह से अगर घूमने लगते हैं कोई भी बॉडी, ठीक है, मैं चाहिए तो मैं एक आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ, लाइट आ गया, ठीक है। सो सी हियर, इफ सपोज देयर इज अ बॉडी विच इज रोटेटिंग, ये एक सपोज टर्न टेबल है और इस टर्न टेबल पे समझो कि एक जिम्नास्टिक जो है वो इस तरह से खड़ा है, और समझो कि उसके हाथ में डंबल्स है, ठीक है, ये सपोज जिम्नास्टिक है, या एक सपोज एक पर्सन है जो कि एक टर्न टेबल पे खड़ा हुआ है, ठीक है, दिस इज द टर्न टेबल एंड दिस पर्सन इज जस्ट स्टैंडिंग ऑन दिस टर्न टेबल इन दिस वे, ओके, एंड इट इज दिस टर्न टेबल इज ऑलरेडी रोटेटिंग अबाउट द एक्सिस, ओके। नाउ इफ वी जस्ट टेल दिस पर्सन टू स्ट्रेच हिज हैंड्स, अगर इस पर्सन को हम अगर बता देंगे कि अपने हाथ जो है वो दूर दूर फैला दो, तो देखो क्या होगा, ऐसा सिचुएशन होगा, टर्न टेबल रोटेट हो रहा है ऑलरेडी एंड द पर्सन इज ऑलरेडी स्टैंडिंग ऑन दिस टर्न टेबल एंड सपोज इट ही इज टोल्ड टू स्ट्रेच द हैंड्स, सो सपोज उसके जो हाथ है वो इस तरह से वो स्ट्रेच कर लेता है और उसके हाथ में डंबल्स है, ठीक है, तो जैसे ही वो उसके हाथ स्ट्रेच कर लेता है तो ऐसे ऐसे पोजिशन में वो घूमने लगेगा, तो जैसे ही वो हाथ स्ट्रेच करेगा तो उसका जो डंबल्स का जो मास है जो कि पहले पास में था तो वो दूर तक फैल जाएगा, इसका मतलब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सडनली बढ़ जाएगा, और जैसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि उसका जो स्पीड है वो थोड़ा कम हो जाएगा। सो वी कैन जस्ट सी दैट व्हेनेवर द पर्सन विल जस्ट स्ट्रेच हिज हैंड्स ही विल रोटेट स्लोली अबाउट द एक्सिस, बट अगेन व्हेन ही विल जस्ट क्लोज द हैंड्स ही विल ब्रिंग द हैंड्स नियर टू द बॉडी, अगर उसने ये ऐसा अगर कर दिया उसके हाथ अगर यहाँ पे नजदीक लाए बॉडी के नजदीक ला दिए तो ऑटोमेटिकली उसका जो टर्न होने का जो स्पीड है एंगुलर स्पीड जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तो ये सब ये चीज जो है हम देख सकते हैं आराम से कि जिसमें क्लियरली देख पा रहे हैं कि जैसे ही वो हाथ स्ट्रेच करेगा तो स्पीड कम हो जाएगा और जैसे ही हाथ क्लोज करेगा सीधे करेगा तो स्पीड बढ़ जाएगा। तो ये दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इन दिस केस हियर एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज वेरी स्मॉल बट एंगुलर वेलोसिटी इज गोइंग टू बी लार्ज हियर, ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज गोइंग टू बी वेरी स्मॉल बट एंगुलर वेलोसिटी विल बी लार्ज इन दिस केस, ओके, बट इफ यू जस्ट फोकस ऑन दिस हियर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया हैज बीन इंक्रीज्ड, ओके, सो एंगुलर वेलोसिटी जस्ट डिक्रीजेस, ओके, सो द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी remains constant in both of these cases here. We can just call it as I1 omega 1 and here it will call it as I2 omega 2. So this is simply the law of conservation of angular momentum. Abhi aap puchhenge ki moment of inertia kaise hum bol sakte ki moment of inertia badh gaya hai? Kyunki moment of inertia depends on not only the mass but it also depends on the distribution of the mass. How the mass is distributed. So in this case, we can just see that the mass is distributed close to the axis of rotation.
But in this case here, the mass is just widely distributed about the axis of rotation. And that's why the moment of inertia in this case has to be greater than that in this case here. But in the other words, अगर angular momentum को अगर constant रहना है, तो उसके लिए जरूर इधर का angular velocity ज्यादा होगा, इधर का angular velocity कम रहेगा. तो मतलब जैसे ही moment of inertia बढ़ता है, तो angular velocity घटता है. और जैसे ही moment of inertia घटता है, तो angular velocity बढ़ता है. तो ये दोनों के बीच में जो है, वो एक inverse relationship हुआ करता है हमेशा. That is actually the law of conservation of angular momentum. We can just see here. Okay, the second example. Another example of the same. See, suppose एक flywheel है, एक heavy disc है, जो अकेला rotate हो रहा है, इस तरह से उसके axis के ऊपर, about its axis. Suppose उसका axis उसका angular velocity कुछ ना कुछ है, जो भी suppose omega one है suppose, ठीक है, omega one is at angular velocity. And moment of inertia is I, suppose. ठीक है. अभी सोचो, जैसे हम इस disc के ऊपर, rotate होने वाले disc के ऊपर, अगर एक और एक दूसरा disc अगर डाल देते हैं, इस तरह से, देखो ठीक से, हमने ऊपर से उसी shaft के ऊपर, मतलब उसी axis के ऊपर, एक दूसरा disc इसके ऊपर डाल दिया. तो जैसे ये दूसरा disc इसके ऊपर जाके चिपकेगा, तो दोनों साथ साथ घूमने लगेंगे कि नहीं? दोनों साथ साथ घूमेंगे. अभी उनका जो कंबाइंड स्पीड है, कंबाइंड जो डोनर डिस्क का जो कंबाइंड स्पीड होगा, वो उस पहले वाले स्पीड से कम होगा या ज्यादा होगा? कोई बता सकते हैं? कम होगा. कम होगा. व्हाई इट विल जस्ट गेट रिड्यूस्ड? क्यों कम हो जाएगा? सर, एज द मास इज एडेड, द इनर्शिया, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल इंक्रीज, सो इट विल रिजल्ट इन लोअरिंग और रिड्यूसिंग द स्पीड. करेक्ट, वेरी गुड. As the mass will be added, the moment of inertia will increase. Actually, in fact, the moment of inertia will get doubled, right? Double ho jayega moment of inertia. Kyunki identical disc humne uske upar se gira diya. To jaise hi wo disc jaake uske upar chipak jayega, to uski wajah se kya hoga? Ki moment of inertia double ho jayega. Aur agar moment of inertia double hoga, to angular speed jo hai, wo kam ho jayega automatically, kyunki angular momentum ko constant rakhna hai. ठीक है, एंगुलर मोमेंटम जो कि आई इनटू ओमेगा के प्रोडक्ट के बराबर होता है, दैट हैज टू बी केप्ट कांस्टेंट. तो उसको कांस्टेंट बनाए रखने के लिए, अगर आई दिख रहा है क्या ऊपर का? यस, अगर आई जो है वो अगर डबल हो गया, तो ओमेगा जो है वो सीधा आधा हो जाएगा, बिल्कुल आधा हो जाएगा. तो वी कैन जस्ट अंडरस्टैंड दैट इन ऑर्डर टू कीप द एंगुलर मोमेंटम कॉन्स्टेंट हियर, the moment of inertia will get increased, so automatically this angular velocity will get decreased. This is again another good example to understand the law of conservation of angular momentum. Remember, let us take the third example. Tumne kai bar ballet dancers dekha honge, ballet dancers, theek hai, jo hamesha ghumte ghumte dance karte hain, unke haath mein ribbon bhi hota hai kai bar, और वो रिबन यूज करके वो इस तरह से घूमते रहते हैं, और बॉडी को कभी ऐसा करते हैं, कभी ऐसा करते हैं. तो जब भी वो बॉडी को इस तरह से स्ट्रेच कर लेते हैं, जो उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाए, तो उस केस में वो बहुत हाई स्पीड में घूमते हुए दिखाई देते हैं. लेकिन जैसे ही वो हाथ आउट स्ट्रेच करते हैं, हाथ और पैर को इस तरह से अगर आउट स्ट्रेच कर लेते हैं, तो वो घूमते रहते हैं, लेकिन घूमने के साथ साथ वो उनका स्पीड जो है वो बहुत कम दिखाई देता है. ठीक है, दे अपीयर टू स्लो डाउन व्हेन एवर दे स्ट्रेच देयर बॉडी. And they appear to move faster whenever they just close their body. The मतलब moment of inertia का ही वहाँ पे relation है फिर से, कि जितना moment of inertia कम, उतना angular speed ज़्यादा. जितना moment of inertia ज़्यादा, उतना angular speed कम. Even ये हम diving competition के अंदर भी देखते हैं. तुमने कई बार देखा होगा कि suppose ये एक बहुत ऊपर यहाँ पे इस तरह का एक platform होता है, और ये समझो पानी है. This is the lake of water. Here, ठीक है, यहाँ पे नीचे पानी है, ये एक सपोज स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल, और यहाँ पे एक बहुत ऊपर में यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है. तो यहाँ पे जाके कोई भी पर्सन जो है वो क्या करता है, यहाँ से छलांग लगाता है. देखो, ये सपोज पर्सन है यहाँ पे, वो इधर से छलांग लगाता है, और यहाँ पे रोटेट होते 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 यहाँ पे नीचे गिरता है. देखा ये कभी? इसको डाइविंग बोलते हैं. ठीक है, तो अगर इसमें आप देखते हैं, तो जैसे ही वो छलांग लगाता है, तो उसके बाद क्या करता है, उसका जो बॉडी है
वो इस तरह से रोल कर लेता है जो उसका सिर और पैर एक साथ चिपका देता है। तो ये देखो इसका बॉडी जो है वो ऐसा हो जाता है, ये सपोज उसका सिर है और ये हाथ और ये पैर इस तरह से, मतलब उसने जो है अपना बॉडी जो है वो इस तरह से रोल कर लिया है कि सिर और पैर जो है वो एक पॉइंट पे टच करते हैं, तो जिसकी वजह से वो बहुत हाई स्पीड में घूम रहा है। ठीक है, हाई स्पीड में घूमते 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 वो नीचे नीचे जाता है, लेकिन जैसे ही वो नीचे आता है जस्ट वो वाटर को टच करने के होता है, तो जस्ट वाटर को टच करने से जस्ट पहले वो स्ट्रेट हो जाता है, उसके बॉडी को स्ट्रेट कर लेता है, मतलब ही विल जस्ट स्ट्रेट द बॉडी लाइक दिस, दिस विल बी द हेड, दिस विल बी द बॉडी एंड लाइक दिस। ठीक है, तो लास्ट में जस्ट वाटर के अंदर एंटर करने से पहले वो क्या करेगा, बॉडी को स्ट्रेच कर लेगा और उसकी वजह से उसका जो एंगुलर स्पीड है वो बहुत हद तक कम हो जाता है। ठीक है, जैसे ही वो स्ट्रेच करता है तो एंगुलर स्पीड उसको घूमना बंद हो जाता है, ऑलमोस्ट बंद हो जाता है, और वो इस तरह से सीधा एंटर करता है वाटर के अंदर। ठीक है, नहीं तो अगर वो घूमते घूमते अगर एंटर करता तो बहुत सारा फ्रिक्शन उसको सहना पड़ता वाटर के साथ, फ्रिक्शन मतलब वो बहुत ज्यादा उसको इंजुरीज भी हो सकते हैं, लेकिन वो अवॉइड करने के लिए तो उसको हमेशा सलाह दी जाती है कि जब तक तुम एयर में हो तब तक जितना हाई स्पीड में घूम सकते हो घूमो, लेकिन एक बार वाटर को टच करने को आ जाओ तो तभी घूमना पसंद घूमना वहां पे पॉसिबल नहीं होगा। अगर तुम वहां पे वाटर को टच करने के टाइम भी अगर घूमते रहेंगे तो वाटर के साथ बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होगा और उसकी वजह से बहुत सारा नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए उनको ये एडवाइस किया जाता है कि जब तुम वाटर को टच करने को आते हो तो तभी अपना बॉडी स्ट्रेच कर लो, बिल्कुल स्ट्रेट कर लो, ताकि अपना आपका घूमना बंद हो जाए, और घूमना बंद होने का कारण यही है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया गेट्स इंक्रीज्ड एंड हेंस द एंगुलर वेलोसिटी गेट्स डिक्रीज्ड। ठीक है, दिस इज द अनदर एग्जांपल अगेन टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एग्जैक्टली। अभी इसके बाद एक और एक एग्जाम्पल है जिससे तुमको बहुत क्लियर कट पता चल जाएगा कि हाउ द एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन वर्क्स एक्चुअली। ये एग्जाम्पल एक्चुअली सबसे अच्छा है, ठीक है, मुझे भी बहुत पसंद है, क्योंकि देखो तुमने कई बार ये करके देखा होगा घर में भी, सपोज एक रॉड ले लो, ठीक है, ये रॉड है, सपोज इस रॉड को एक रस्सी बांध दो यहाँ पे इस तरह से, सेंटर पे यहाँ पे बांध देना है, ठीक है, और यहाँ पे जो है वो एक स्टोन, कोई भी एक स्टोन यहाँ पे कर दो। ठीक है, अभी ये सोचो कि इस रस्सी को मैं अगर यहाँ पे स्टोन को अगर इस तरह से बांध के रखूंगा और इसको स्टोन को अगर एक पुश दूंगा, इस स्टोन को एक वेलोसिटी दे दूंगा, तो क्या होगा, ये स्टोन जो है वो इस तरह से जाके सर्कुलर मोशन करने लग जाएगा। जब वो एक बार घूम जाएगा तो ये जो वायर है वो इसके ऊपर एक एक तरह एक बार लपेट जाएगा, यस ओके, तो जैसे ही एक बार ये घूम जाएगा तो ये वायर जो है वो एक बार उसके ऊपर लपेट जाएगा और उसकी वजह से उसका जो रेडियस है वो थोड़ा कम हो जाएगा सेकेंड टाइम का। फिर और एक बार अगर घूमता है तो उसकी वजह से और एक बार ये जो वायर है या जो स्ट्रिंग है वो उसके ऊपर लपेट जाएगा इस तरह से, और उसकी वजह से उसका रेडियस और थोड़ा कम हो जाएगा। ऐसे ऐसे उसका रेडियस कम 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 होता जाएगा, और तुम देखेंगे कि जब जैसे जैसे रेडियस कम होता जाता है ना, वैसे वैसे उसका स्पीड बढ़ता जाता है। देखा कभी ये बात, प्रैक्टिकल में करके देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है ये बात कि अगर एक रॉड है उस रॉड के ऊपर एक रस्सी बांध दो सेंटर में और उसको एक स्टोन अटैच कर दो और उस स्टोन को एक बार इस तरह से हिट करो, जिसकी वजह से वो इस तरह से सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने लग जाए। जैसे वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा तो वो वायर जो है वो उसके ऊपर रैप होता जाएगा, लपेटता जाएगा। जैसे जैसे वो रस्सी उसके ऊपर लपेटता जाएगा उसका लेंथ यूज होता जाएगा और उसकी वजह से वो लेंथ कम 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 होता जाएगा। जैसे जैसे रस्सी का लेंथ कम होता जाता है वैसे वैसे उसका स्पीड बढ़ता है। क्यों स्पीड बढ़ता है, कौन एक्सप्लेन करेगा? रेडियस कम हो रहा है, बढ़ती जाता है इसलिए।
रेडियस कम होता जाता है और हमको पता है ऑलरेडी कि एंगुलर मोमेंटम कितना होता है. एंगुलर मोमेंटम एल इज ऑलवेज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा. वो एक फॉर्मूला है. लेकिन उसके पहले हमने कल के लेक्चर में और एक फॉर्मूला देखा था, आपको याद होगा, एल इज इक्वल टू एम वी आर. करेक्ट है, एम वी आर ठीक है, नहीं लीनियर मोमेंटम इंटू द पोजिशन वेक्टर और रेडियस वेक्टर. तो अगर ये हम ये अगर फॉर्मूला देखते हैं सामने, ये इवन वी कैन जस्ट डिराइव दिस फॉर्मूला फ्रॉम दिस ऑल्सो, बिकॉज यू नो दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिंगल पार्टिकल इज गोइंग टू बी एम आर स्क्वायर एंड ओमेगा कैन बी रिटन टू बी सिंपली वी बाय आर. राइट, सो आर आर गेट्स कैंसल्ड, वी आर गेटिंग एम वी आर हियर ऑल्सो. तो एम वी आर तो हमको मिल गया, चलो ठीक है. बट इफ एम वी आर हैज टू बी कॉन्स्टेंट, अगर इसको कॉन्स्टेंट रहना है तो एम तो ऑलरेडी कॉन्स्टेंट है, मास तो वैसे भी चेंज नहीं होने वाला है, तो इसलिए मास नीचे चला जाएगा. तो वी इंटू आर विल रिमेन कॉन्स्टेंट. एंड वी इंटू आर रिमेन कॉन्स्टेंट का मतलब क्या होता है? तो वी इंटू आर रिमेन कॉन्स्टेंट का मतलब हो गया, अगर वी बढ़े, अगर आर कम होगा तो वी को बढ़ना ही पड़ेगा. ठीक है, मतलब इसीलिए हम ये देखते हैं कि रेडियस जैसे कम होता जाता है वैसे इस वी को बढ़ना पड़ता है, वेलोसिटी को इंक्रीज होना पड़ता है. उसका वही रीजन है कि यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम को कॉन्स्टेंट रहना होता है. तो एंगुलर मोमेंटम को कॉन्स्टेंट रखने के लिए ही ये आर जैसे कम होता है तो वी बढ़ता जाता है. ठीक है, ये बात हम समझ सकते हैं आराम से. और एक दूसरा एग्जाम्पल है प्लैनेट्स. ठीक है, सन, सपोज दिस इज द सन एंड सपोज द डिफरेंट प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड इट इन डिफरेंट इलिप्टिकल ऑर्बिट्स. तो ये इलिप्टिकल ऑर्बिट में जब प्लैनेट घूमता है तो होता क्या है ना कि देखो, जब ये दूर जाता है तो उसका डिस्टेंस बढ़ गया है कि नहीं, डिस्टेंस बढ़ गया, और डिस्टेंस बढ़ने की वजह से उसका जो लीनियर वेलोसिटी है तो वो कम हो जाता है. v1 विल बी वेरी वेरी स्मॉल, इट विल बी मूविंग वेरी स्लोली व्हेन इट विल बी फार्देस्ट फ्रॉम द सन. बट एज इट मूव्स टुवर्ड्स द सन इट्स वेलोसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग एंड हियर एट दिस पॉइंट इट बिकम्स मैक्सिमम. द वेलोसिटी बिकम्स मैक्सिमम एट दिस पॉइंट बिकॉज द डिस्टेंस, perpendicular distance from the sun actually becomes minimum in this case here. So we can just see that when the radius is more, the velocity is very small. But when radius becomes small, the velocity becomes large. And that's why we can just say that is V1 into R1 is equal to V2 into R2. That means V into R remains constant once again here in this case also, in case of planetary motion also. And that's why we can just see that whenever a planet comes closer to sun, it moves faster. But whenever it moves away from the sun, it moves slower. Its speed decreases. So speed jo hai, wo do particular values ke beech mein vary karta rehta hai. Kyunki uska jo distance hai, wo bhi kam jyada ho raha hai. So all these are the examples of the law of conservation of angular momentum, which tells us simply that if no external torque acts on the system of colliding bodies or rotating bodies, then the total angular momentum always remains constant. This is the statement of law of conservation of angular momentum. I will repeat again. So far as the no torque acts on the whole system of rotating bodies, then the total angular momentum remains constant. But how will you prove this? So in order to prove this, we will have to derive the relationship between torque and angular momentum. And that can be done easily. And we can just prove that the torque is actually the rate of change of angular momentum in vector form, which is nothing but the Newton's second law of motion in rotational dynamics. Okay. Newton's second law of rotational motion. What does it tells us? The torque acting on the body is always equal to the rate of change of its angular momentum, which is very, very similar to our Newton's second law of linear motion, which tells us simply that the force acting on the body is just the rate of change of momentum, linear momentum of that body. Yaad hai 11th standard mein humne laws of motion ke andar padha tha, theek hai? Force, second law kya hai? Newton's second law kya kehta hai? It tells us simply that the rate of change of momentum is equal to the force, and it takes place in the direction of the force. That is the Newton's second law of motion in linear motion. But in case of rotational motion, we can just say that rate of change of angular momentum is actually equal to the torque.
Okay, and the angular momentum changes in the same direction as that of the torque. Okay, so ye dl by dt is equal to torque. Ye humko prove karna hai. And once we prove this, agar hum ye prove kar dete hai, to uske baad phir law of conservation of angular momentum prove karna koi badi baat nahi hai. Ye hum ek second mein prove kar sakte hai. Kyunki dekho, law of conservation of angular momentum kya kehta hai? If torque is zero, okay, torque agar zero hai, to us case mein kya hoga? Ye torque agar zero ho gaya, तो ये LHS भी तो RHS भी तो जीरो हो जाएगा, मतलब dl bar by dt will also become zero. And अगर dl bar by dt जीरो बनता है तो मतलब derivative of l bar becomes zero. अब ये याद करो कि किसका डेरिवेटिव जीरो होता है. अभी भी तुम ऑलरेडी डेरिवेटिव स्टडी कर रहे हो, तो डेरिवेटिव के अंदर तुमने ऑलरेडी देखा है डेरिवेटिव ऑफ constant. Yes, constant is always zero. So therefore, if we say, we are saying here that this derivative of L bar is going to be zero, that means L bar must be constant. So this is the proof of law of conservation of angular momentum, which simply tells us that if no external torque acts on the system of rotating bodies, then the angular momentum of the body just remains constant. And this is the proof. If tau is zero, then this LHS must be zero. So RHS must also be zero. That means derivative of L is going to be zero and L must be constant then. So in this way, we have got the law of conservation. Yes, वीडियो शायद फ्रीज हो गया था ना. ओके ठीक है, बट द मिलियन डॉलर क्वेश्चन इज दैट हाउ विल यू प्रूव दिस फर्स्ट. ये कैसे प्रूव करेंगे पहले, क्योंकि टॉर्क इज इक्वल टू डीएल बार बाय डीटी है, ये तो हमको पहले प्रूव करना पड़ेगा कि नहीं. वी कैन नॉट से दैट जस्ट लाइक न्यूटन सेकंड लॉ इन लीनियर मोशन, वी कैन जस्ट टेक स्ट्रेट डाउन द न्यूटन सेकंड लॉ इन रोटेशन मोशन ऑल्सो एनालॉजिकली, ऐसा नहीं बोल सकते. वी हैव टू प्रूव इट. तो हाउ विल यू प्रूव दिस, उसके लिए एक सिंपल सा डेरिवेशन हम करेंगे, जिसके अंदर एज्यूम करेंगे कि चलो एल बार जो होता है वो हमने ऑलरेडी डिफाइन करके रखा है आर बार क्रॉस पी बार, करेक्ट है. एल बार इज इक्वल टू आर बार क्रॉस पी बार, दिस इज गोइंग टू बी आवर फर्स्ट स्टेप. सो एल बार इज इक्वल टू आर बार क्रॉस पी बार. अभी इन ऑर्डर टू फाइंड आउट दिस डी एल बार बाई डी टी, लेट अस डिफरेंशिएट दिस होल इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू टी. तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे. Let us differentiate both sides with respect to the time t. Okay, so what we get is d by dt of l bar, which is actually going to be equal to d by dt of this r bar cross p bar. Correct hai? Okay. अभी इसमें देखो ये d by dt of l bar क्या रहने वाला है, वो तो dl bar by dt बनने वाला है. बिल्कुल, तो dl bar by dt तो वो तो बन गया, ठीक है. बट यहां पे अगर हम देखेंगे ठीक से तो आर बार और पी बार ये दोनों वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स. तो जब दोनों वेरिएबल्स होते हैं तो उनके प्रोडक्ट का डेरिवेटिव कैसे निकाला जाता है, यूजिंग द प्रोडक्ट रूल. ओके, तो प्रोडक्ट रूल हमको यहाँ पे अप्लाई करना है. दैट मीन्स वी हैव टू कीप आर बार आउटसाइड एंड फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ पी बार, एंड देन वी हैव टू कीप पी बार आउटसाइड एंड देन फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ आर बार. दैट इज कॉल्ड एज द यूवी रूल. याद है तुमको डेरिवेटिव के अंदर यूवी रूल इस तरह से होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी इज इक्वल टू यू इंटू डेरिवेटिव ऑफ वी प्लस वी इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू, करेक्ट है. तो ये हमारा प्रोडक्ट रूल है डेरिवेटिव के अंदर का. वी कैन जस्ट यूज इट इन द वेक्टर ऑल्सो, जब दोनों वेक्टर्स है तभी भी हम यूज कर सकते हैं. लेकिन इतना ही हमको याद रखना है कि यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है, तो क्रॉस प्रोडक्ट होने की वजह से यहाँ पे ऑर्डर उल्टा ना होने पाए. किसी भी हालत में हमको ऑर्डर उल्टा नहीं करने देना है. ऑर्डर हैज टू बी कंजर्व्ड, मतलब जो आर बार जो पहले है वो पहले ही रहना चाहिए, जो बाद में है वो बाद में ही रहना चाहिए. उसको उल्टा मत करो, शफल मत करो, नहीं तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा. तो देखो अगर हमने यहाँ पे फर्स्ट टर्म लिखा इस तरह से आर बार क्रॉस डेरिवेटिव ऑफ पी बार, तो डी बाई डी टी ऑफ पी बार ये बन गया, ठीक है. दिस इज द फर्स्ट टर्म यू कैन सी, एंड प्लस इसको dp बार बाय dt भी लिख सकते हैं नो डाउट. प्लस सेकेंड टर्म में क्या आएगा बताओ,
कौन बताएगा व्हाट विल बी द सेकंड टर्म हियर? आर बार क्रॉस पी बार इनटू डी आर बाय डी टी. हाँ, तो पी बार क्रॉस डी आर बार बाय डी टी, ऐसा अगर तुम लिख देंगे एज अ सेकंड टर्म, तो उसमें क्या हो जाएगा ना कि पी बार जो है वो पहले हो जाएगा और आर बार का टर्म बाद में हो जाएगा, तो ऑर्डर उल्टा हो गया. वी डोंट वॉन्ट दैट, ऑर्डर उल्टा नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे इसको इसके बदले हमको क्या लिखना है उसको, ये देखो ऐसे लिखना है डी आर बार बाय डी टी, ठीक है, पहले लिखा क्रॉस पी बार, ठीक है ना, क्या फर्क पड़ता है. ठीक है, डी आर बार बाय डी टी मतलब डेरिवेटिव हमको आर बार का ही निकालना है, वो तो ठीक है, और बाहर किसको रखना है, पी बार को रखना है, लेकिन इसको पोस्ट प्री फैक्टर नहीं बनाना है, उसको पोस्ट फैक्टर ही रहने देना है, उसको बाद में ही रहने देना है क्योंकि वो बाद में है ऑलरेडी. तो पी बार यहाँ पे पी बार बाद में आएगा, आर बार का डेरिवेटिव निकाला, ठीक है, वो पहले आ गया, और इधर हमने आर बार को बाहर रखा और पी बार का डेरिवेटिव निकाला, वो बाद में आ गया. मतलब आर पी ये ऑर्डर हमको शफल नहीं करना है, उल्टा पुल्टा नहीं करना है उसको. ठीक है, तो पहले आर फिर पी, फिर यहाँ पे भी पहले आर फिर पी, ठीक है, डेरिवेटिव जिसका निकालना है उसका ही निकालो, वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसका ऑर्डर शफल मत करो, नहीं तो फिर यहाँ पे बीच में एक माइनस साइन लेना पड़ेगा अननेसेसरीली. So it's okay, we can just understand here. Now we can just simplify this further. But do you know what is this dp bar by dt is? P bar matlab kya hai yahan pe? Linear momentum hai na? Linear momentum. To yahan pe dp bar by dt ka matlab ho gaya rate of change of linear momentum. What is it called? Force. Rate of change of momentum is called? Force. Yes. Force. That is the Newton's second law tells us. So we can just replace it by that. And get it as F bar, okay? DP bar by DT जो है हमारा F bar बन गया. And what about this DR bar by DT? Can you say what is DR bar by DT? R bar मतलब क्या है यहाँ पे? Position vector है. Position vector. So what is the rate of change of position vector of a particle? Angular velocity. नहीं, linear velocity. हाँ sir. Linear velocity ना. क्योंकि ये तो हमने ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में देखा था कि अगर कोई पार्टिकल जो है उसका पोजीशन वेक्टर अगर आर बार है तो उसका पोजीशन का रेट ऑफ चेंज मतलब ही वेलोसिटी होता है. ठीक है, वेलोसिटी क्योंकि चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट, राइट? सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी. सो लीनियर वेलोसिटी वी कैन जस्ट डिनोटेड बाय वी बार हियर, ओके, एंड देन वी कैन जस्ट replace all these values here and modify this equation as dl bar by dt is equal to, here it is r bar cross, this is f bar, correct hai? Ye first term humko mil gaya, plus yahan pe humko milega this dr bar by dt is going to be v bar cross p bar, correct hai? Okay, but again we can just think of this, what is this r bar cross f bar is called? Again go to 11th standard in the chapter laws of motion. What is this R bar cross F bar is called? कौन बताएगा? Torque. Very good, torque. Okay, so basically the moment arm multiplied by force vector is the definition of torque. Torque define ही ऐसा करते हैं. Torque of a force is actually defined as the cross product of the position vector and the force vector. So therefore we can just call this R bar cross F bar as tau bar. That is the torque exerted. Okay. But what about this V bar cross P bar? See here, V bar cross P bar will be O bar. Why? Because V bar is parallel to P bar. And we already seen in the properties of vector product. Cross product ke properties mein humne dekha tha ki jo do vectors parallel hote hain, parallel, unka cross product hamesha zero hota hai. ठीक है, क्योंकि जो दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं उनके बीच में एंगल थीटा 90 होता है, और अगर एंगल जीरो है तो क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर साइन जीरो साइन थीटा आता है कि नहीं, साइन थीटा, तो वो साइन जीरो थीटा जीरो होने की वजह से साइन थीटा भी जीरो हो जाता है, और उसकी वजह से क्रॉस प्रोडक्ट ही जीरो हो जाता है. ओके, सो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स इज ऑलवेज गोइंग टू बी जीरो, एंड दैट्स व्हाई दिस वी बार क्रॉस पी बार विल बी जीरो सिंस वी बार इज पैरेलल टू पी बार. And why this V bar is parallel to P bar? Because P bar itself contains V bar. P bar ka definition hi kya hai? Momentum hota hi kya hai? Linear momentum is actually the mass into velocity.
अभी मास तो स्केलर है, जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वही मोमेंटम का डायरेक्शन होगा, तो दोनों वेक्टर्स पैरेलल हो गए कि नहीं? जरूर। और इसीलिए हम यहाँ पे देख सकते हैं कि v बार क्रॉस p बार विल बिकम जीरो एंड बिकॉज v बार इज पैरेलल टू p बार। सो वंस दिस होल ब्रैकेट बिकम जीरो, द सेकंड टर्म गेट वैनिश्ड एंड वी आर लेफ्ट विद ओनली दिस फर्स्ट टर्म व्हिच इज गोइंग टू बिकम टॉ। सो वी कैन जस्ट से दैट दिस dl बार बाय dt इज एक्चुअली गोइंग टू बी इक्वल टू टॉ बार एंड दैट इज द प्रूफ ऑफ दिस न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ रोटेशनल मोशन which has to be used here in order to find out the prove the law of conservation of angular momentum. So once we prove this, we can easily prove the law of conservation of angular momentum here by saying that if torque becomes zero, then automatically dl bar by dt becomes zero, and since dl bar by dt becomes zero, l bar must be constant. So in this way we can just prove that the law of conservation of angular momentum, we can prove that if external torque acting on the system of rotating bodies is zero, then angular momentum remains constant. But we have to prove this first. ये हमको पहले prove करना पड़ेगा, जो कि हमने यहाँ पे पूरा इसमें किया है, ठीक है? So अगर तुमको simply law of conservation of angular momentum prove करने के लिए अगर बोला, तो ये सिर्फ तीन step मत लिखो, सिर्फ ये तीन step में prove नहीं करना है, तो क्या करना है? पहले हमको ये पूरा पहले हमको prove करना पड़ेगा कि dl bar by dt equal to tor bar होता है, ये पहले prove करना पड़ेगा, और उसके बाद ही हम ये बोल सकते हैं कि hence if toy is zero, then dl bar by dt is zero, that means l bar must be constant. Okay, so this is the proof of law of conservation of angular momentum. Just write down this and or just take the screenshot of this first and we'll just stop here. Okay, so okay, thank you all of you, let us stop here.